आइए सबसे पहले गांव की इस पवित्र प्राण मिट्टी को नमन करता हूं। पूरे विश्व में आज सनातन धर्म का बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई सभी को देते हुए, इस परिवार का धन्यवाद करते हुए, नागर साहब का धन्यवाद करते हुए और अर्चना जी का धन्यवाद करते हुए कि आज 15-20 साल बाद इस गांव की मिट्टी के दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी सुंदर सी हाजिरी अर्चना शुक्ला जी आपके बीच में रख रही हैं। कुछ भजनों की मेरी हाजिरी है, उसके बाद बहुत सारे कलाकार आपके बीच में रहेंगे। मेरे साथ राहुल नागर जी हैं भराणे से, सभी अपनी अपनी हाजिरी रखेंगे। आइए सर्वप्रथम अपनी जिभ्या को शुद्ध करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे, कहिए सच्चे दरबार की, भोलेनाथ की, आइए बाबा मोहन राम की जय। हेलो, हाँ जी आइए। बड़ा धन्यवाद है, अब इसकी क्लास लगानी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि जब पशु या इंसान कहीं बंध जाता है तो उसकी जिंदगी बड़ी कठिन हो जाती है। एक गाय को समझिए कि आप गाय को खुला छोड़िए, वो कहां कहां जाएगी, और एक बंधी गाय वही खाएगी जो उसका मालिक डालेगा। तो बंधे इंसान हमेशा कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। मैं कामना करता हूं, अर्चना जी बड़ी मेहनत कर रही हैं आजकल गाने में, आप कामयाब हों और बाबा मोहन राम आपको हमेशा खुश रखें। आइए सर्वप्रथम दो शब्दों से एक छोटी सी गुरु वंदना आपके बीच में रखूंगा और सर्वप्रथम उस माँ के चरणों में नमन करूंगा जिसने हमें जन्म दिया, क्योंकि सबसे पहली गुरु हमारी माँ है। एक मांस के लोथड़े को इंसान बनाने वाली वो माँ, उसके बाद नमन करूंगा उस पिता को जिसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है इंसान के लिए, भागते भागते कमाते कमाते, और उसके बाद उस संसारिक गुरु को नमन करूंगा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं। तो गुरु की महिमा दुनिया में सबसे बड़ी है। दो शब्दों से गुरु के चरणों में नमन, उसके बाद भोले शंकर माता रानी बाबा मोहन राम के जो भजन हैं आपके बीच में रखूंगा, बने रहिए और इस अरदास के साथ कि बाबा इस परिवार पे हमेशा अपनी खुशियां बरसाए। जो लोग तेरे जगराते में बैठे हैं, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक खुशियां बरसे। आइए चलेंगे गुरु के चरणों में। बोल सच्चे दरबार की जय। एक तू ही तू, तेरा नाम सही, मेरे बाबा तीन लोक सरताज, तूने पानी से पैदा करे हम बड़े गरीब नवाज। तो धन चाहे तो दान कर, तू मुक्ति चाहे भज राम, हाड मास का पुतला ये बिना भजन किस काम। भाई खून का गारा बना तो ईट, इसमें हड्डियां, चंद सासों पर टिका है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, तू देख लेना ये इमारत तेरी खाक में मिल जाएगी। अब कहिए सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। और तू है तो मेरी ये जिंदगी सफल है। ये दो शब्द गुरु के लिए हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं या गुरु धारण नहीं किए हैं तो अपने माता पिता का ध्यान जरूर इस छोटे से भजन में करेंगे। और तू है तो जग में हर मुश्किल हल है गुरु देव मेरे, हो गुरुदेव मेरे गुरु देव मेरे। हो
गुरुदेव मेरे, हो गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तू है तो जग में हर मुश्किल हल है, तू है तो मेरी जिंदगी सफल है, गुरुदेव मेरे, हो गुरु जीने का, तू है तो गम कैसा मुझे विस्तक पीने का, तू ब्रह्मा तू मुरारी, तू ही विष्णु चक्रधारी, गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, कि जो लोग सच्चे और अच्छे दिल से गुरु महाराज के चरणों में बैठते हैं, गुरु महाराज उनके बेड़े पार लगाते हैं। ये भी कहा कि गुरु से बड़ा भगवान का दर्जा भी नहीं बताया, क्योंकि कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े मैं काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने मुझे गोविंद दियो मिलाए। कुछ घाटा नहीं गुरुवर तेरे इस खजाने में, हो कुछ घाटा नहीं गुरुवर तेरे इस खजाने में, एक फूल खिला दे तू, एक फूल खिला दे तू मेरे इस वीराने में, हो कुछ घाटा खोटी बात कहूं, प्रथम तुम्हें सुमर के बोलूं, जग में भटका ना मैं डोलूं, गुरु देव मेरे, हो गुरु देव मेरे, गुरु देव मेरे, गौतम भाटी बिना तेरे मिट्टी के जैसा, गुरुवर प्रेम से ज्ञान सिखा दे, मेरी जिह्वा शुद्ध बना दे, गुरु देव मेरे, ओ गुरु देव मेरे, 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 गुरु मेरे, कहिए गुरु महाराज की जय हो।